Assalamualaikum ji, this is me Hasan Ahmed and please do watch me on Rewind with Samina Peerzada and also like and subscribe this show. Thank you. आजकल हम कह रहे हैं ना कि नया पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, तब्दीली आ रही है, कह रहे हैं ना हम. मैं भी चाहती हूँ कि नया पाकिस्तान बने, तब्दीली आए. लेकिन कैसे आएगी तब्दीली? हमसे आएगी जब हम बदलेंगे. एक छोटी सी बात है कि जब हम सिगरेट पीते हैं जानते हुए कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हम पीते हैं ये जानते हुए कि शायद कोई इसकी वजह से डिस्टर्ब होगा, बीमार होगा या उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसके बावजूद हम एयरपोर्ट पे, सड़कों पे, दफ्तर में, काम करने की जगह पे, कार के अंदर जिसमें किसी और ने भी बैठना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम सिगरेट पीते बग़ैर सोचे समझे कि इससे किसी को तकलीफ़ हो सकती है. जिस दिन हम दूसरों का ख्याल करना शुरू कर देंगे उसी दिन से पाकिस्तान बदल जाएगा, नया पाकिस्तान बन जाएगा. तो वादा करें एक दूसरे का ख्याल करेंगे. पूछ लेना, आपको तकलीफ़ तो नहीं, आपको एलर्जी तो नहीं, क्या मैं पी सकती हूँ, क्या मैं पी सकता हूँ, है ना, पूछ लेना चाहिए ना. तो इसी बात पर मुझे याद आया कि मेरे पास तो मेरा गेस्ट बैठा हुआ हसन अहमद, उससे मिलवाती हूँ. एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत उम्दा काम करते हैं, पहले मॉडल थे, अब एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एक सफ़र पर है. उस सफ़र के बारे में वो आज हमसे शेयर करेंगे. आइए मिलते हैं हसन अहमद से. हसन, थैंक यू सो मच. नहीं, थैंक यू. वेलकम, खुश आमदी. इट्स माय ऑनर टू बी हियर. ये क्या हो रहा है आजकल? जिस लड़के को देखो उसने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, ये क्या चक्कर है? आई थिंक अच्छी लगती है. नहीं, सारे एक्टर्स, एवरीवन, अगर कोई कैरेक्टर आप कर रहे हो उसमें जरूरत हो. बट आई हैव नोटिस्ड दैट ईच वन ऑफ यू आर नाउ यू नो वेयरिंग अ बियर्ड. वैसे तो मैं कैरेक्टर ही कर रहा हूं. वैसे तो मैं कैरेक्टर ही कर रहा हूं, बट यू आर राइट, आई एग्री विद यू. है ना, मैंने नोटिस किया है दैट एवरी एक्टर इज नाउ वेयरिंग अ बियर्ड. वेरी फ्यू पीपल जो कि क्लीन शेव आपको नजर आएंगे, बट आई थिंक इट्स द ट्रेंड. So trend, fad, yes, है ना? Yes. और जब ये फैड खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे चेहरे बाहर आएंगे? फिर शेव वाला फैड आ जाएगा. मगर कैसे आएंगे वो चेहरे? हाँ. कैसे होंगे जिन्हें आदत हो गई है शेव रखने की? आई थिंक मैं थोड़ा अजीब कंबर सा है ना रोज सुबह उठ के. हाँ, बट आई हैव अ ट्रिमर. वी यूजुअली ऑल ऑफ द एक्टर्स हैव ट्रिमर्स, वो उसको कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं. सो इट्स क्वाइट कुछ लगा भी लेते हैं, ब्राउन पेंसिल लगती है, फिर पता नहीं क्या कुछ तो काफी कुछ होता है. मैं नोट कर रही थी कि किस किस ने लगाई है पेंसिल या मेकअप जो है, या कौन नहीं कर रहा. सो आई एम एंजॉयिंग एवरीबॉडीज परफॉर्मेंसेस बिकॉज आई थिंक पीपल आर डूइंग वेरी गुड. अच्छे अच्छे ड्रामे हो रहे हैं, इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, ड्रामे अच्छे बन रहे हैं एंड इट्स गुड टू सी. या स्क्रिप्ट्स की तरफ भी बहुत ज्यादा तवज्जो हम निकल रहे हैं. आई थिंक फ्रॉम सास बहू कंटेंट पे बहुत हो रही है. यू राइट अबाउट दैट. सो एज एन एक्टर के हम your male characters pe zara bhi tawajjuh ho rahi hai. Bilkul aisa hai, because main ye feel karta hu ki since I have always wanted to be a hero, but I have always been casted into character roles. To ab wo us cheez ki acceptance mujhe bhi aa gayi hai. Industry ke to aayi gayi thi pehle se. So hero kya hota hai waise? Hamare yahan ek concept tha na ki lead role ya jo kar raha hai he is a hero. Ab mujhe aisa lagta hai ki कैरेक्टर एक्टर्स पे बड़ी मेहनत हो रही है. और इनफैक्ट इवन इफ इट्स लीड रोल वाला जो इंसान है वो भी एक कैरेक्टर ही है. सो अब एवरीवन हैज टू अप देयर गेम एंड एक्टिंग पे बहुत फोकस है अब कि आप कितने अच्छे परफॉर्मर हैं मोर देन द लुक्स. सो आई लाइक इट कि आप इट गिव्स यू ऑलवेज बीन आप लुक्स पे नहीं गए. मैंने जब भी आपके साथ काम किया और शुरू में आई थिंक जब आप मॉडलिंग से वापस आए थे फ्रॉम दिस वंडरफुल टॉल हैंडसम गाय and now coming into television Dramas, yes. And I remember that you did pick up characters. So yeah, how did you know that I should pick up characters and not run after hero? Actually, to be honest, mujhe hamesha se I was chasing heroic roles, right? But kuch directors aise the jaise Sayyid Atif Hussain late hamare, he casted me in one of the plays aur unhone kaha nahi tum character karoge, ek negative villain ka role hai. You have to do that. मैंने कहा ठीक है. एंड आई वॉज अलॉन्ग साइड फाद मुस्तफ़ा. तो फाद से मेरी दोस्ती भी थी एंड आई डिड नॉट माइंड दैट.
बट वो करते 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 फिर आई डिड सो मैनी विलेनस कैरेक्टर्स एज वेल कि लोग अब प्रेफर भी करना शुरू हो गए कि ये तो अच्छा करेगा विलेन. सो यू डोंट रिग्रेट? नॉट रियली. आई गेस अब कुछ चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ होती हैं और आपको ऐसा लग रहा होता है कि वो आपकी वीकनेस है, बट बाद में आके एज सून एज यू मच्योर आपको समझ में आता है कि जो चीज़ आपको लग रही थी कि आपकी वीकनेस है वो एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ थी, एंड जो चीज़ आपको लग रहा होता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली आपकी वीकनेस होती है. सो आई थिंक अगर हम एक्टिंग जॉनर्स की बात करें तो राइट नाउ यू हैव टू बी अ वेरी वर्सटाइल एक्टर टू लाइक यू जस्ट सेड कि अब एक्चुअली अब जो कंपैरिजन होगा वो एक्टिंग स्किल्स पे होगा एंड नॉट हाउ गुड लुकिंग यू आर और हाउ टॉल यू आर और दैट इज एग्जैक्टली हाउ यंग यू आर. एग्जैक्टली. सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड दिस इंडस्ट्री टू शेप अप. बिकॉज़ मैं ये नहीं कह रहा कि लोग गुड लुकिंग लोग आते हैं कैमरे पे उनको नहीं आना चाहिए. यू नो पीपल हु गेट आई डोंट थिंक सो दे गेट कास्टेड ओनली ऑन देयर गुड लुक्स, बट आई बिलीव के एक्टर जो वर्ड है सो इट्स कॉल्ड एक्टर फॉर अ रीजन. यू आर अ परफॉर्मर राइट. सो एक्टिंग कम्स फर्स्ट एंड लुक्स कम आफ्टरवर्ड्स. डू यू रीड द एंटायर, डू यू रीड द एंटायर स्क्रिप्ट? पूरी मांगते हो? मैं पूरी मांगता हूँ स्क्रिप्ट, बट आजकल जो है रिहर्स करते हो? मैं रिहर्स भी करता हूँ. और रीड करते हो अकेले या लोगों के साथ? मैं वैसे अकेले रीड करता हूँ. अच्छा. एंड आजकल अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द गुड डायरेक्टर्स वो सीआर कैमरा रिहर्सल्स में बिलीव करते हैं. ठीक है. एंड तीन तीन चार चार रिहर्सल्स होती हैं. सो उसमें आपको सीन का फ्लो, आपकी अपनी टोन, आपका अपना टेम्पो, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं. सो आफ्टर यू डू अ कपल ऑफ सीआर्स उसके बाद सीन करने में आसानी हो जाती है. सो डू यू लर्न ऑन सेट व्हाइल यू परफॉर्मिंग? आप डायरेक्टर से बात करते हो या पहले से कुछ तैयार करके आते हो? कैरेक्टर तो परसीव किया हुआ होता है मैंने. अच्छा. बट इट्स मैं रीड भी करता हूँ और मैं जब घर पे होता हूँ तो मैं उसको सोचता हूँ कि मैंने परफॉर्म इस तरह से भी करना है. बट एट टाइम्स एक्टर का परसेप्शन इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द डायरेक्टर हैज परसीव्ड. डू यू राइट अ लॉट ऑन योर लाइंस और डू यू हैव दोस चिट्स? ऐसी चीज़ें करते हो जैसे बहुत मैंने लोगों को देखा है कि वो सीन के साथ कलर वाली उनकी होती है? नहीं, कोडिंग ऐसे कोई मैं इतना नहीं करता. बट आई बिलीव कि जब डायरेक्टर के साथ मैं बैठता हूँ ना तो फिर हम लोग सीन वो बना लेते हैं. बिकॉज आई एम यूजुअली अ डायरेक्टर्स एक्टर और परसीव मैंने अपना किया. कैरेक्टर के लिए भी उनके साथ बात करते हो बिफोर यू साइन? मतलब आप अपना तो परसीव कर लेते हैं बट कभी कभार ये होता है कि डायरेक्टर कहता है कि नहीं इसमें ये तो ये कर लें. सो इट्स अ वेरी हेल्दी डिस्कशन और ऑब्वियसली विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप एक चीज पे लॉक कर लेते हैं पहले से. और जब आप लॉक कर लेते हैं फिर आपको मुश्किल नहीं होती. और बोथ ऑन द सेम पेज एंड देन यू गो आउट एंड यू परफॉर्म टू द फुलेस्ट. कभी ऐसा हुआ है कि घर से कुछ बना के लेकर गए और सेट पर गए तो वो बिल्कुल अलग डायरेक्टर की डिमांड थी, टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैड परसीव्ड या उसकी बैक स्टोरी जो खुद सोची थी कि ये होगा और इस तरह का होगा? शुरू में हुआ है. है? शुरू में हुआ है बिकॉज उस जमाने में आई थिंक ट्रेंड नहीं था या पता नहीं मैं इतना फोकस नहीं था कि मैं डायरेक्टर से बात कर लूँ बिफोर आई गो टू द सेट. और उसमें ये था कि आप अपने आप को मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब एक्टिंग में आया था तो आई यूज टू थिंक वेरी हाईली ऑफ माई सेल्फ एंड दैट इज सम हाउ दैट ऑल्सो पुट्स यू इन टू अ स्टेट ऑफ गिविंग यू अ रियलिटी चेक कि नहीं आपको सब नहीं पता है. सो उस वक्त ही होता था कि मैं चला जाता था एंड डायरेक्टर वुड से कि ये क्या है, आई मीन यू शुड हैव आस्क्ड मी. तो आई वॉज लाइक नो आई नो एवरीथिंग, वाई शुड आई आस्क यू. तो शुरू में मैं ऐसा था थोड़ा सा, बट अब ये है कि आई मेक श्योर कि वी आर ऑन द सेम पेज, द प्रोडक्शन इज ऑन द सेम पेज, डायरेक्टर इज ऑन द सेम पेज विद मी. एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड लिसनिंग टू पीपल. At first, I did not have this capacity to listen to people. अब मैं सुनता हूँ और घर वालों की भी सुनता हूँ, बाहर भी सुनता हूँ. So that has helped me a lot. My father was in the Air Force. अच्छा. तो हम लोग base to base shift होते थे और शुरू से ही आपको गाड़ी मिली हुई है, आसाइशें मिली हुई हैं. So when we finally came to Karachi, तो मेरे लिए एक civilian life में adjust करना बड़ा मुश्किल था. So how did you decide from a model के actor बनना? ये किसने बताया था कि मैं कि you have an actor in you? Actually modeling का भी I was working in an advertising agency और modeling का भी मुझे कुछ नहीं था. And then I met Sunita, my wife, and she was a model. So उस वक्त भी मुझे ये field entice नहीं करती थी कहीं से भी.
एंड आई यूज्ड टू थिंक यार ये मतलब मुझे एलियंस लगते थे सारे, कि ये कौन लोग हैं, क्या है और ये क्यों है, राइट? आई वाज ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, उस पर्सनालिटी का मैं मालिक था. तो उसके बाद क्या हुआ कि आई वाज वर्किंग एंड देन दिस गाय वॉक्ड इनटू माय ऑफिस एंड ही इज लाइक आप ऐड करेंगे? तो मैं उसको देखा, मैंने कहा हाँ कर लूँगा. तो देन वो एक ऐड हुआ, ऐड के बाद मॉडलिंग हुई, रैम शोज हुए एक दो, बट मुझे आई डिड नॉट इन्जॉय रैम शोज दैट मच. आई मीन देर इज़ अ सर्टन ऑरा टू इट कि जब आप रैम पे वॉक कर रहे होते हैं, बट आई फेल्ट कि आपकी जो असल कैपेबिलिटी है वो एक्टिंग में ही आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. बस द स्टारडम इज टू शॉर्ट लिव्ड है ना, इन दैट मोमेंट व्हेन यू गेट ऑन द रैंप एंड देन दैट मोमेंट यू गेट ऑफ, बस यही है दैट वॉक. यस है ना, यस. एंड मतलब एक्सप्लोर आप नहीं कर सकते उसमें, और क्या आप एक्सप्लोर करेंगे. तो देन एक्टिंग में मुझे, मैंने फिर बात करना शुरू की लोगों से कि एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है. एंड आई रिमेंबर आई गॉट माई फर्स्ट प्ले फ्रॉम ARY एंड सलमान भाई, सलमान इकबाल हेल्प मी कि हाँ मैं तुम्हें करवाता हूँ. और बहुत सारे लोग थे, देन JJ ने कहा कि हाँ ठीक है आप करो, डू इट. सो आई डिड माई फर्स्ट प्ले एंड आई हैड टू लीव माई जॉब इन द मिडल. और मुझे वो बड़ा था कि मैं एक्चुअली ये सोचा हुआ था कि मैं जॉब के साथ साथ काम भी कर लूँगा, बट इवेंचुअली वो अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि एक चीज़ आपको छोड़नी पड़ी उस वक्त. तो आई वॉज वेरी वेरी स्कैर्ड एंड मुझे एक्टिंग आती नहीं थी, मैं घबरा जाता था. यू नो हाउ इट इज़ व्हेन यू नर्वस, तो आप समझ नहीं आती कि किस तरह एक्ट करना है आपको. तो वो सारी चीज़ें थी, बट इवेंचुअली आई एम अ गुड लर्नर, आई एम अ हार्ड वर्कर, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है. तो इवेंचुअली आफ्टर 12 ईयर्स आई बिलीव कि एक्टर मैच्योर भी होता है आहिस्ता आहिस्ता. और सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है व्हेन यू से योर डायलॉग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू रीडिंग देम. इसीलिए पता है आपको रीडिंग होती थी सब लोगों की, सो दैट यू गेट फेमिलियर विद अदर पीपल एंड ऑल्सो यू हेयर योर ओन वॉइस. ये जो अकेले में लाइने याद करने का है ना, ये बहुत डेंजरस है, बिकॉज द मोमेंट यू अटर एंड यू हेयर योर सेल्फ, लाइक कोई मसला है, देन यू एक्चुअली फ्रीज. यस यस, यू रियली डोंट यू सी, बिकॉज आपको शॉक भी मिलता है, इज दैट हाउ आई साउंड, यू फील ऑड है ना, यू फील ऑड. एंड And of course, और जो लोग ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलते हैं वो जब उर्दू में डायलॉग बोलते हैं वो भी उनको शौक लगता है. हाँ, मेरी तो सही हुई उर्दू. हाँ, मैं तो जब भी एक्टिंग की फील्ड में आया हूँ तो वन ऑफ द थिंग्स दैट इम्प्रूव्ड वॉज माई उर्दू, कि आपको नए नए लफ्ज़ पता चलते हैं और आपको लफ्ज़ों का सेंस पता चलता है कि लाइन में वो किस तरह से यूज होता है. क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है ना, इसलिए मैं समझ सकती हूँ मैंने कि मुझे किसने कहा था एक्ट्रेस बनने को, क्योंकि इतनी लंबी लंबी लाइनें बोलनी पड़ती हैं, वो भी उर्दू में. हाँ, एग्जैक्टली. यू नो कि आप जंप नहीं कर सकते, फौरन ही अंग्रेजी का सहारा नहीं आप ले सकते. और जब मैंने ये फिल्म की थी द वैली अंग्रेजी में, उसमें भी मुझे शौक लगा था जब मैंने अंग्रेजी में अपने जुमला सुना था, क्योंकि जो बोलने में बात है वो और है, जबान जो बोलती जो जो आपने इमोट करना है वो किसी और जबान में वो टफ है ना. सो हु वर योर मेंटर्स, किस किस ने सिखाया, किस किस ने हाथ पकड़ा, किस किस ने डांटा? मैं फहद को बड़ा फॉलो करता था शुरू में, बिकॉज एक तो ही वॉज अ गुड फ्रेंड एंड मुझे था कि दिस गाय इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ बीन वेरी टैलेंटेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ, सो अमेजिंग, यस, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग. तो मैं उसको देखता था कि वो कैसा होता है. हिज फर्स्ट प्ले वाज विद मी, काफी लोगों के प्लेज़ हैं. आई बीन वेरी इंडस इंडस का होगा ना, वेरी वेरी लकी. नो, जियो का किया था. अच्छा, जियो का किया था. बात मुस्तफा की बात कर रहे हो? हां हां, मैं उसी की बात कर रहा हूं. सो ही वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वेरी वेरी, एज एन एक्टर आई बिलीव ही इज वेरी गुड. और वो थे, एंड देन आई यूजुअली यूज्ड टू फॉलो हॉलीवुड एक्टर्स, स्टाइल ऑफ एक्टर्स, बिकॉज मुझे हॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद थी. और टॉम क्रूज, अल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो, उनकी डिलीवरी वगैरह मुझे बड़ी अच्छी लगती थी. बट ऑब्वियसली व्हेन आई केम इनटू द फील्ड आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट, देयर इज अ डिफरेंट मेथड टू एक्टिंग इन टीवी ड्रामास. उर्दू में और बात है ना, उर्दू में और बात है, एक्सप्रेशन अलग चेंज हो जाता है आपका. हर ज़बान के अपने नुआंसेस हैं, उसका अपना है, बिल्कुल, you know, मिजाज, बिल्कुल ऐसा. एंड आपको वो सीखना होता है कि अच्छा ये जुमले को इस तरह के, इसमें एक म्यूजिक है, उस म्यूजिकलिटी को पकड़ना है. यस, फ्लो डिफरेंट होता है ज़बानों का. तो उसके बाद आई जस्ट डिड एज सच मेंटर्स, तो मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में. बट मैंने हार्ड वर्क अपने आप पे फोकस किया,
आई वॉज वेरी इनकन्सिस्टेंट व्हेन आई केम इनटू दिस फील्ड के मतलब दो महीने में आपको आई वॉज शूटिंग 7 to 8 एड्स इन यू नो अ मंथ और 2 months एंड मेरे अंदर वो प्रॉपर्टी थी कि मेरा दिमाग बहुत जल्दी ख़राब होता था एंड उस वजह से मैं इनकन्सिस्टेंट भी था और अल्लाह ताला ने मुझे उसके निज़ाम ने मुझे सिखाया है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट यू हैव टू बी अ जेंटल ह्यूमन बीइंग अ काइंड ह्यूमन बीइंग एंड आई हैड एंगर मैनेजमेंट इश्यूज एक तो ये बचपन में ऐसे नहीं थे बचपन में चाइल्डहुड में ऐसा नहीं था कैसे कितने बहन भाई हो I just have one more sibling. मेरी बहन है बड़ी है मुझसे. अच्छा, and you're the younger one. Yes. So obviously you were spoiled. I was spoiled and then. छोटों का बड़ा मजा होता है. मौज ही मौज. हम बड़ों से पूछो ना. छोटों का तो बहुत मजा है. But वो my father was in the air force. अच्छा. तो हम लोग base to base shift होते थे और शुरू से ही आपको गाड़ी मिली हुई है, आसाइशें मिली हुई हैं. So when we finally came to Karachi, तो मेरे लिए एक civilian life में adjust करना बड़ा मुश्किल था. बिकॉज ऑल माई लाइफ हम लोगों ने ड्राइवर के साथ गाड़ियाँ देखी थी और एयरफोर्स बेस में यू नो ही वॉज अ गुड ऑफिसर तो आपको मुलाजम भी मिलते हैं चीज़ें भी मिलती हैं तो अम्मी होम मेकर थी अम्मी वॉज द होम मेकर अम्मी वॉज द होम मेकर सो माई चाइल्डहुड कहते हैं लोग कि मैं बड़ा प्यारा था बड़ा इनोसेंट था एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड आई एग्री टू इट बट एज सून एज आई वॉज ग्रोइंग अप इन माई टीन्स दैट इज वेन द प्रॉब्लम्स स्टार्टेड और उसमें आप लोग आए और आके कहाँ कराची या लाहौर में कराची में आके सेटल हुए बिल्कुल बिल्कुल एंड देन यूनिवर्सिटी लाइफ उसमें ये था कि एज अ किड आई वाज वेरी ओवर इमोशनल आई वाज वेरी ओवर सेंसिटिव एंड जो ओवर इमोशनल या ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं उनको वो चीज़ें अब्सॉर्ब भी बहुत कर लेते हैं तो कैसे कैसे बच्चे थे तुम क्वायट थे या शरारती थे या डांटे खाने वाले थे या नहीं कैसे इन माय टीन्स आई वाज नो नॉट टीन्स पहले तो बहुत एज अ बेबी तो बहुत जैसे पहला दिन स्कूल का हाँ तो रोए थे हाँ रोया था मैं मुझे अम्मी बताती मैं रोया था एंड देन किंडरगार्टन तो एक उस तरह की लाइफ होती है ना आपकी एक फैंटेसी लाइफ होती है किंडरगार्टन में व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट the first class or the second class that is when aapki academics jab imtihan dene padte hain exactly tests exactly and homework yes aur to main rota tha aur ammi kehti thi ki i used to settle down eventually but shuru mein the masle shuru mein aur har school mein jab aap nayi jagah jate the wahan har school mein masla hota hoga hai na mostly and then did you miss your friends ke jo piche reh gaye unko ke ye dost kyun piche reh gaye aur main kyun aa gaya nay shehar होता था ऐसे बट वो चूंकि एयरफोर्स फैमिली है ना हाँ. तो वो कहीं ना कहीं आपको सेम बेसिस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता था आपको अच्छा. कि लोगों की एक साथ पोस्टिंग हो रही है और वो कुछ बच्चों की तोड़फोड़ भी होती है वो इसमें उनमें गुस्सा भी आता है बिकॉज फिर वो एक जो एक फ्लो है हाँ. कि आप एक क्लास से दूसरी दूसरे से तीसरी चौथी में जा रहे हैं एक ही शहर में जा रहे हैं एक ही तरह के दरख्त देख रहे हैं यू नो एक सिस्टम है ना बिल्कुल एक फ्लो है एक रिदम है बिल्कुल उसको कॉन्स्टेंटली तोड़ा जाता है कुछ बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इसकी वजह से कुछ बच्चे बहुत इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं कुछ गुस्से वाले हो जाते हैं एंड यू बिकेम एन एंग्री यंग मैन आई वाज रिबेलियस इन माय टीन्स एंड मुझे याद है कि एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज थे आई यूज्ड टू फाइट अ लॉट विद माय मदर एज वेल और उसकी एक मेन वजह ये है कि शी इज एग्जैक्टली लाइक मी एंड हम दोनों बड़े रिबेलियस एंड ओवर इमोशनल ओवर सेंसिटिव लोग हैं और हमें बातें बुरी बहुत जल्दी लग जाती हैं एंड छोटी छोटी चीज़ों पे एक्साइटमेंट भी बहुत जल्दी हो जाती है इट्स लाइक एन एक्सट्रीम आई बिलीव कि आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सनैलिटी में बैलेंस अगर होता है ना तो वो बहुत बेहतर होता है एग्जाम्पल बींग कि जो लोग ओवर इमोशनल ओवर सेंसिटिव होते हैं वो उनको दूसरों की बातें भी बहुत जल्दी अफेक्ट करती हैं चाहे वो मजाक में ही क्यों ना कह रहे हो So I became into that person and अगर कोई गलत बात कोई कर भी रहा है मेरे सामने तो ठीक है गलत बात हो रही है there's a certain approach that you can take उस गलत बात को communicate करने में या अगले इंसान से बात करने में कि देखो ये गलत है But I would take a very over emotional angry and aggressive state कि मैं गुस्से में आ जाता था और मुझे था कि समझते नहीं हैं ये लोग and all of that stuff So over the period of years, even मुझे बुरा लगता था कि I used to snap at people on set, associate पे snap कर गया,
तो मुझे कुछ था कि कोई मसला है, आई एम नॉट एट पीस विद इन. तो फिर अभी कोई रिसेंटली जाके इट्स टेकन मी अ लॉन्ग टाइम टू एक्चुअली कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन मी. बिकॉज अगर आप लोगों का सहारा ले लेके करते हैं ना, कि जैसे इफ समवन हैज डन समथिंग टू यू एंड इफ यू कीप ऑन थिंकिंग और कीप ऑन गिविंग टेकिंग दैट एज एन एक्सक्यूज कि इसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हूँ, तो कभी भी आप मूव ऑन नहीं कर पाते, अपनी गलतियाँ नहीं देख पाते. सो आई काइंड ऑफ रियलाइज इट वॉज लाइक एन एनलाइटमेंट. अभी कोई डेढ़ दो साल हुए हैं कि आई ऑल्सो टर्न टू द वन अबव और नमाजें वगैरह सारी चीज़ें वो मैंने शुरू की, तो उन सब चीज़ों से हेल्प बहुत मिलती है आपको. यू काइंड ऑफ सी अ क्लियर पाथ, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है. आई वॉज अ वेरी कन्फ्यूज पर्सन पहले, तो वो चीज़ें सारे अपने अंदर मैंने चेंजेस लाया. व्हाट वाज द कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन इतनी छोटी छोटी बातों पे थी कि यहाँ जाना है कि नहीं जाना है. एंड आई यूज टू थिंक ऑन इट, मतलब आई एम स्टिल एन ओवर थिंकर, बट अब बेहतर हो गया, आई नो हाउ टू कोप अप विद इट. बट पहले ये था कि मैं सोचे जा रहा हूँ, मतलब एज स्मॉल एज द फैक्ट कि यहाँ जाना है कि नहीं जाना. सो डिड यू थिंक अ लॉट अबाउट कि मैंने आगे क्या पढ़ना है, मैंने जॉब क्या करनी है, इस पे भी बहुत सोचा था? उस वक्त मैं ऐसा था नहीं, उस वक्त आई वॉज गोइंग विद द फ्लो. अच्छा. बट समहाउ बीच में व्हेन आफ्टर माय मैरिज आई गॉट इनटू दिस लाइन ऑफ फील्ड, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अ लॉट. एंड आई डोंट नो इफ इट वाज बिकॉज ऑफ दिस फील्ड या वैसे ही, आई थिंक इट वाज दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ. जब आप यू आर एंटरिंग यूर इन योर ट्वेंटीज, तो वो कुछ ग्रोइंग अप वाले कुछ चीज़ें पर्सनैलिटी में बहुत, देयर वॉज दिस फायर विद इन जो कि बड़े गलत तरीके से बाहर निकलती थी. एंड आई रियली डोंट नो व्हाई इट हैपेंड. सो हाउ डिड योर वाइफ टेक इट? गो बैक. हाँ, फर्स्ट लव कहाँ हुआ था, कब हुआ था? फर्स्ट लव वॉज बिफोर माई वाइफ. अच्छा. हाँ, इट वॉज बिफोर माई वाइफ एंड देयर वॉज दिस पर्सन विद मी इन कॉलेज. उससे पहले भी एक था, बट उस वक्त I don't think it was love. It was just a thing with the opposite sex, obviously. But first love was in college, and I was going out with this girl, जो कि बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी अच्छी family से थी. And we went out for like 2-3 years, the last that I remember. और उसके बाद बस I think उसकी family को मैं पसंद नहीं था. And मैं recently job की तरफ जा रहा था, तो वो सारी चीज़ें हमारे माशरे में उस वक्त थी ना कि पैसे कितने कमाता है, क्या चीज़ें. अब तो वो चीज़ें कम हुई हैं, तो उस वक्त वो था, तो शी सेड कि इट्स नॉट गोना हैपन. एंड आई रिमेंबर आई वाज डेवास्टेटेड, हार्ट ब्रोकन, बिकॉज आई रियली वांटेड टू बी विद हर. बस उसके बाद फिर देन आई मेट सुनीता. तो वहाँ से तो नहीं शुरू आएंगे, आई डोंट नो, क्योंकि अगर कोई डाउट करे आपको, you know, ये बड़ी छोटी छोटी चीज है. You are a very sensitive soul. Yes, yes. You've just said it. Yeah. And I also have found you one. कि आप एक sensitive शख्स हैं. आप अगले की आँख को देखते हैं कि उसके उसमें क्या. I noticed that about you. आप देखते, आप sensitive हैं. आप notice करते हैं लोगों को कि लोगों के रवैया कैसा है या इस वक्त. Because I remember when you were smoking, that one look. And you absorbed it. You knew कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना. तो it's a sensitivity है. Yes. है ना. तो ये एक भी तो हो सकता है, क्योंकि वो एक रिजेक्शन थी कि आपको रिजेक्ट किया आपको. आप एक एक यंग फायरी यू नो नौजवान हैं, और आप अभी ज़िंदगी में जा रहे हैं, और आप यू थिंकिंग के आई एम गोइंग टू यू नो मैं सारे पहाड़ सर कर लूँगा. इट कुड बी, आई नेवर थॉट अबाउट इट, लेकिन और सडनली आपको कोई कह दे कि नो यू आर नॉट गुड इनफ. और ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे, फ्रॉम माई फैमिली टू the people that I meet, I mean, बहुत सारे लोग हैं जो कहते नहीं हैं, but they give out this vibe and this notion कि you're not good enough. But अल्लाह का शुक्र है कि मेरी will power बहुत strong थी, so I never gave up and I still haven't given up. So Sunita ने कैसे you know win कर लिया ये दिल, अभी जीत लिया दिल? Sunita actually, मैं बड़े raw अल्फाज में बात बोलूँगा, Sunita is someone जो कि मुझे लगता नहीं थी कि वो इस field की है. As in मुझे मेरा एक बड़ा बहुत ग्राउंडेड थी और बहुत होमली, बहुत ऐसी है वो. एंड
यूजुअली व्हेन यू कम अक्रॉस अ मॉडल तो आपको लगता है कि एटीट्यूड बहुत होगा, सारी चीज़ें बहुत होगी, बट शी वॉज हु शी इज़ एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वूमन. और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आवर शादी वॉज अ वॉक इन द पार्क. शुरू में तो हर किसी को लगता है कि यू नो दिस इज़ द पर्सन दैट यू वॉन्ट टू लिव विद, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर देन लविंग अ पर्सन, यू हैव टू लव द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैरिज, बींग इन अ मैरिटल रिलेशनशिप. तो जब आप उस कॉन्सेप्ट से प्यार करना शुरू हो जाते हैं ना, तो आप अपने आप को ठीक भी करना शुरू हो जाते हैं, आप रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं कि चलो अगला बंदा तो ऐसे कर रहा है लेकिन आपको कैसे करना है, हाउ यू शुड बी विद दैट विद द अदर पर्सन. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड से आप इंसान को चेंज कम कर सकते हैं, अखलाक से आप ज़्यादा कर सकते हैं चेंज. तो वो सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ 11 ईयर्स माशाल्लाह से आई हैव बीन मैरिड एंड 12 ईयर्स इट्स बीन दैट आई हैव बीन इनटू द इंडस्ट्री. तो देर आए दुरुस्त है, लेकिन अभी कोई एक दो साल पहले मुझे ये सारी चीज़ें पता चली हैं, मैंने सीखी हैं और मैं ज़्यादा फोकस हो गया हूँ, अपने काम पर फोकस हो गया हूँ एंड कंसिस्टेंट हो गया हूँ अपनी फिटनेस के साथ. पहले मैं नहीं होता था, जहाँ पतला हो गया मुझे लगता था कि अब तो आई कैन ईट एवरी थिंग एंड आई कैन गो एनी वेयर एंड आई कैन डू एनी थिंग. बट वो आई थिंक अल्लाह ताला ने सिखाना था कुछ ज़िंदगी में, पेशेंस देना था, विल पावर अच्छी करनी थी. वेरी ट्रोमैटिक व्हाइल आई वाज देयर, बट व्हेन आई केम बैक सो आई वाज माय नॉर्मल सेल्फ अगेन. And I did not make or learn anything. मैं वापस वैसा हो गया था. And that is a regret that I have. So when शादी के एक महीने के बाद वो incident हुआ था? नहीं नहीं शादी it's 2012 में हुआ था. I got married in 2007. Oh अच्छा अच्छा. Five years after. अच्छा. 5 years after. वो क्या था? What were you doing and how did anybody think के you should be kidnapped? Taken away from your family, from your life. It was as much as I was in disbelief because मुझे वापस आके पता चला था कि वो एक random case था kidnapping का. And you were away for 1 month. 35 days. Yes. 35 days. 35 days. Yes. So उस वक्त it was horrible. It was terrifying. अब तो खैर I can easily talk about it. वो भी तो लाइफ चेंजिंग होता है, ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाए तो. असल में पता है क्या, वो ट्रॉमा कितना बड़ा होता है. वो असल में वो मुझे इस बात का रिग्रेट है बहुत ज़्यादा कि ट्रॉमा तो उस पीरियड के लिए था जब मैं वहाँ पे था. आई वोंट टॉक अबाउट माय फैमिली बिकॉज उनके लिए तो बहुत ट्रॉमेटिक था. बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ कि मैं वापस आने के 3-4 महीने बाद आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ I don't know. I felt के I was there because God wanted to correct some things in me. मुझे ऐसा लग रहा था कि show me a way, patience. Because मुझे ऐसा वहाँ पे जाके लगता था कि वो मुझसे कह रहा है कि निकालूंगा भी मैं. You just have to be patient. I'll take you out of this whole scenario. But while you're here, learn how to spend your life. And unfortunately, 3-4 महीने बाद आने के बाद मैं वैसा ही हो गया था जो मैं था. आई हैड फॉरगॉटन द इंसिडेंट एंड एवरीथिंग. जिस तरह आपने भी कहा कि इट मस्ट हैव बीन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, बट वो ऐसा था नहीं. वेरी ट्रोमैटिक व्हाइल आई वाज देयर, बट व्हेन आई केम बैक सो आई वाज माय नॉर्मल सेल्फ अगेन एंड आई डिड नॉट मेक और लर्न एनीथिंग. मैं वापस वैसा हो गया था. And there is a regret that I have कि उस वक्त मुझे मौका दिया गया था कि आप कुछ सीख लो. जैसे I used to spend less time with my family. अकेले vacations पे बहुत जाता था मैं और काम पे focus मेरा ऐसा होता नहीं था. और भी बहुत सारी चीज़ें थी, lifestyle changes जो आप अपने अंदर as a person देखना चाहते हैं कि this is who you are and you keep negating them for all the pleasures, apparent pleasures in life. कि आप घूमने फिरने चले जाओ, पार्टी कर लो, ये सारी चीज़ें हैं, बट आपको अंदर से पीस नहीं मिल रहा था. तो फाइनली आई फाउंड आउट पिछले कोई 6-8-9 महीनों में कि व्हाट गिव्स मी पीस. तो अब मैंने उस चीज़ को फॉलो परस्यू करना शुरू किया है आफ्टर सो मेनी इयर्स. दिस मस्ट हैव बीन अ वेरी लोनली रोड टू ट्रैवल ऑन. इट वाज, क्योंकि जब आप अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपको सिरा नहीं मिल रहा होता,
फिर आप बहुत ही आई थिंक लोनली हो जाते हैं, खुद साख्ता तन्हाई भी हो, आपने एक उसकी वो ले लेते हैं आड़ कि मैं आई वांट टू बी ऑन माय ओन, है ना. सो दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. और फिर सुनीता इस वक्त क्या कर रही थी, आई हैड्स ऑफ टू हर, है ना. व्हेन द हस्बैंड इज फाइंडिंग हिमसेल्फ, शी वाज देयर, शी वाज देयर. हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंसानों को समझ नहीं पाते. इवन अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड इफ समहाउ यू एक्ट इन एंगर और इन सैडनेस और यू से समथिंग, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसको मसला क्या. हालांकि वी कैन ऑलवेज से कि इनके साथ हो क्या रहा है, राइट. सो सुनीता की अच्छी बात यह है कि इफ शी डिड नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग बट शी डिडंट से एनीथिंग कि इस तरह की नेगेटिव बातें कि ऐसा है वैसा है. बट आई वाज इन अ मैट टर्मोइल में था काफ़ी सालों तक और मेरे अंदर एक जंग चल रही थी कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, वेयर एम आई सपोज टू बी, एट टाइम्स व्हाट एम आई डूइंग हियर, ये नहीं है, ये है, ये अच्छी अच्छा मुझे मेरा पैशन है. मैं कभी सोचता था कि आई लीव दिस, पर एकदम से मुझे आता था कि नहीं, यू आर बीइंग ओवर इमोशनल. सो व्हेन यू आर बीइंग ओवर इमोशनल यू टेंड टू थिंक अ लॉट. तो फिर मैं अपने आप को समझाता था नहीं, इमोशनल स्टेट में आप ना नहीं सोच सकते, बिकॉज व्हेन यू आर इमोशनल यू टेंड टू मेक डिसीजंस व्हिच आर अ बिट वेवर्ड, सही डायरेक्शन में नहीं होती वो. तो ये एक फाइट थी अभी रिसेंटली. आई डोंट फील अशेम्ड इन एडमिटिंग इट दैट आई स्टार्टेड गोइंग टू थेरेपी लोगों के पास एंड आई टोल्ड देम कि ये चले ठीक है, लोगों ने तो मेरे साथ जो किया वो किया, बट इफ़ आई कीप टेकिंग दैट एज अ सहारा कि उन्होंने मेरे साथ किया, तो मैं कभी भी अपनी फॉल्ट्स को करेक्ट नहीं कर सकूँगा. क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तुम ऐसे क्यों हो, तो मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ, उन लोगों ने मेरे साथ ही किया था इसलिए मैं ऐसा हूँ. ये कौन लोग थे जिन्होंने क्या किया था? मुझे तो लग रहा है बहुत सारी चीजें जमा होती रही. हाँ जी, ऐसे ही है. You, है ना, you've been just keeping them, never shared it with your mother. I didn't because I thought she wouldn't understand. मुझे कोई best friend नहीं है. नहीं, लड़कों में तो आप शेयर करते हैं, तो you know, लड़के तो you know we are so lucky. Women are so lucky. हम तो बड़े प्यारे दोस्त बनाते हैं और हम सारी बातें करते हैं. But there were friends who listened to me and then they would say कि ऐसा नहीं, हमारे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है. अच्छा. So you, what were you carrying? एक तो स्कूल में कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होना, जगह जगह जाना, फिर कराची को अपना घर बनाना. एंड यू मस्ट बी वॉन्टिंग कि मैं चला ही जाऊँ किसी छोटे से शहर में, है ना. हाँ, है ना, मे बी कोई खारियाँ या कहीं. मुझे समझ में नहीं आती थी, बट दिस माइट बी वन ऑफ द पॉइंट्स. यू सेड के मुझे, देन यू ट्राइड स्टडीइंग, फिर आपकी दोस्त जो थी लड़की, उसके बड़ा सेटबैक, फिर आल्सो योर वर्क, योर जॉब वेरी कॉम्पिटिटिव. सो डिड यू लीव द जॉब और दे आस्क्ड यू टू लीव? दे आस्क्ड मी टू लीव. सी, दैट्स अ ह्यूज सेटबैक. But then I believe they were right because I couldn't do it. No, sir, you see, पता है क्या, आदमी दो पैराओं में चल रहा होता है, conscious और subconscious. Subconscious में तो always good है ना, चल रहा है ना, पर अंदर भी तो है ना एक the other in you, the other. ये आपका हमजाद, आपका आपका जो अंदर एक है, subconscious जो है ना, उस वहाँ धक्के तो लगे हैं. कि लगे, then I was constantly told कि मतलब I used to do character acting a lot. और कैरेक्टर एक्टिंग जो है वो एट टाइम्स वाज टर्म्ड एज यू नो साइड रोल्स. हमारे यहाँ एक वो कॉन्सेप्ट था कि आप साइड रोल्स कर रहे हैं, तो उसमें भी मुझे लोगों ने बड़ा बोला, करीबी लोगों ने भी बोला कि ये क्यों करते हो. वो तो लगा होगा दिल को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी यू वांटेड टू बी हीरो. एंड मैं उसमें एक्सपेक्ट करता था कि जैसे मुझे लोग बोलें कि नहीं यार करते रहो, यार करते रहो, एक वक्त अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे. बट आई वाजंट गेटिंग दैट रिस्पांस. मतलब मुझे एक नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती थी, और जो इंसान वैसी ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव है, तो वो फौरन ग्रैस्प करता है उन चीज़ों को और वो हेट्रेड पैदा करती है. मुझे ऐसा लगता है अब आके कि नेगेटिव कॉनोटेशंस जो हैं या नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो हेट्रेड पैदा करते हैं इंसानों के अंदर. तो आपको जैसे मुझे घर में मैं कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता हूँ कि लाउड आवाज़ में कोई चीखे नहीं मुलाजमों पर नहीं, बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम विद नॉइज़ नाउ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान जोर से बात करता है उसके पीछे एक नेगेटिव इमोशन है.
इवन अगर आप हैप्पीनेस पे जोर से बात कर रहे हैं ना तो दैट्स नॉट गुड. लाउड एनी टाइम बीइंग लाउड इज नॉट गुड. और अब तो मुझे इट्स लाइक एन एलर्जी. हाय अल्लाह, तो हम तो टेलीविजन में तो सारे प्रोग्राम्स ही लाउड. बट आई परफॉर्म रियली वेल. सारे लाउड स्पीकर पे बैठे होते हैं. नहीं लेकिन वो एक्टिंग है ना, उसमें मुझे नहीं लगता. नॉट एक्टिंग, ऑल द शोज दैट यू वॉच, माय गॉड, कितना शोर मचाते हैं पाकिस्तानी. आई नो, पहले नहीं, हम पहले बड़े सटल धीमे अंदाज में बात करते थे. तो ये सारी चीज़ें बिल्डअप होती गई. फिर आई वॉन्टेड माई वाइफ टू बी इन अ सर्टन वे विद मी. और क्योंकि मैं इमोशनल था तो मुझे था कि वो भी इमोशनली मुझे हैंडल करे, चीज़ें करें. बट शी इज़ अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ वुमन, बड़ी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है. तो उसको एट टाइम्स समझ में नहीं आती थी कि ये क्या चाह रहा है, कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या चाह रहा हूँ, यू नो. बट आई वॉज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड. तो अल्लाह का शुक्र है, we had moments. I mean, not any marriage is a walk in the park. ये बात तो आप admit हर कोई करता है. तो we had our problems and but what kept you going, both of you? That is more important. I think I love my kids. मेरे दो बहुत प्यारे बच्चे हैं and मैं उनसे बहुत attached हूँ. मैं उनके लिए बहुत कुछ करता भी हूँ. And what kept me going was कि मुझे था कि ये शादी जो है ये सिर्फ it's not going to be easy. Nothing is easy in life, nothing is fair in life. But aapko ek usme relationship mein dala hi isliye jata hai ki aap explore karo apne aap ko, apni cheeze sahi karo. Because main ye nahi kehta ki dusre log galat the, mujhe ye bhi pata tha ki main khud bhi galat hu, main khud bhi aggressive hu. Although no matter what my traumas have been, at the end of the day I was aggressive, right? And you can't expect people to understand that. अब आके लोग समझते हैं, because अब हमारे यहाँ awareness बहुत हो गई है. तो उस वक्त मैं अपने आप को correct करने में लगा हुआ था कि मुझे अपने आप को पहले correct करना है, फिर मैं आपसे expect कर सकता हूँ कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो. So अब मैं उस चीज़ पे आया हूँ. आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप को, I did not give up. Yeah, actually correct करने से पहले समझना होता है. Yes. और share करना होता है. तो सुनीता के साथ share नहीं किया? की थी चीज़ें, बट ज़्यादा नहीं. की थी ज़्यादा नहीं, because you always thought कोई नहीं समझेगा. That was the problem. Yeah, that's what we all think, कोई नहीं समझेगा. But लोग समझते हैं. I guess so. Unless and until आप बोलेंगे नहीं तो लोग कैसे समझेंगे? Exactly. But that's when you need professional help. Yes. You know, because then they guide you कि आप, of course हम सुनने वाले हैं, मौजूद, हम सुनेंगे और समझेंगे भी. और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जैसे मैं कहूँगा कि गुनाह, mistakes, really big mistakes that I've made in my life that I cannot really confess to them, and my therapist knows about all these things. तो उन पे मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें उन चीज़ों पे. बिकॉज जब आप सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में होते हैं ना तो एवरी थिंग कम्स बैक टू यू. मुझ जैसे इंसान के लिए टू कन्फाइड इन अ फैमिली मेम्बर बहुत मुश्किल था. बिकॉज आई यूज टू ब्लेम हाफ ऑफ माई ट्रॉमा टू देम. एंड गलतियाँ हर किसी से होती हैं, उनकी भी गलतियाँ होंगी, मेरी भी गलतियाँ होंगी. बट जब आप किसी को ब्लेम करते हैं तो उनके पास कन्फाइड करने के लिए आप कभी जा नहीं सकते. आप